वालेकुम। हम आज 8th क्लास के कंप्यूटर का क्विक रिव्यू करते हैं। हम जस्ट वो चीज़ें रीड करेंगे जो MCQs के मुताबिक इम्पोर्टेंट होंगे। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, आप लोगों ने कंपोनेंट देख लेने, कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, जस्ट इसको रीड कर लेना। ये तो वैसे नॉर्मल सबको पता होता है कि सेंडिंग और रिसीविंग क्या होता है। सर्वर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं ये रीड कर लेना है आप लोगों ने। अच्छा, अब आ जाती है मेन इसकी टाइप्स। टाइप्स में अंदर ये जो आ जाता है ना, इनको आप लोगों ने रीड कर लेना है। जैसे कि ANL लोकल एरिया नेटवर्क, ये इनके कंप्लीट नेम याद कर लेने। जैसे ये दिया हुआ है ना, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना। ये इनके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है WAN क्या, इसका कंप्लीट एब्रीवेशन क्या है। UTP और STP ये दोनों याद कर लेने। अच्छा, ये देखें, ये वाले दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं जी, Chapter 2 इसकी मेन एक दो लाइन तो लाजमी रीड कर लेनी आप लोगों ने। पूरे पूरे टॉपिक रीड नहीं करने हैं, हमने जस्ट MCQs के मुताबिक काम करना है। जो जो चीज़ MCQs में मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी वो तो आप लोगों ने एक बार याद भी कर लेंगे तो आप लोगों को पता हो जाएगा, चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूरी की पूरी थ्योरी रीड नहीं करने। ये Chapter 2 के MCQs हैं। इन दोनों को तो आपने रीड कर लेना है। जो मैं अंडरलाइन करती हूँ वो तो रीड कर लेना है, अदरवाइज बाकी का पूरा पूरा रीड नहीं करना है। अच्छा, इसमें से ये देख लेना समर प्रोडक्ट के फार्मूले कौन कौन से लग रहे हैं, क्योंकि PPSC का कुछ भी नहीं पता। PPSC अगर एजुकेटर की जॉब्स PPSC या FPSC के थ्रू आती हैं तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि बुक में गिवन है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना। ये होता है कि आप लोगों ने ना बुक्स रीड की हुई होती हैं, बस आप लोगों एक बार रिवाइज नहीं करते। इधर से एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ये देखें कि सब ने ही पढ़ा हुआ ना 10th तक, तो बस रिवाइज करने की देर होती है तो माइंड में चीज़ें रह जाती हैं, और काफ़ी टाइम से ना ये रिवाइज नहीं होती चीज़ें, तो इसलिए तो आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। जॉब तो आ ही जाएंगी कभी ना कभी इंशाल्लाह ताला। फ्लो चार्ट को रीड कर लेना है। इनका ये जो चार्ट गिवन है नीचे, ये याद कर लेना, एक बार देख लेना अच्छे से ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि फ्लो चार्ट जब बनता है तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। बाकी MCQs के लिहाज से तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है,
तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा। ओके, यानी कि जस्ट डेफिनेशन देख लेने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के। ये देखें जो चेंज नहीं होती और वेरिएबल जो होती है इज़ द कंप्यूटर द मेमोरी हो उस कैन बी द चेंज्ड ड्यूरिंग द, ये देखें कॉन्स्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल क्या हो जाता है चेंज होता था। नेक्स्ट देखते हैं जी, असल में ना हमने थ्योरी तो याद भी नहीं करनी है, रीड भी नहीं करनी, हमने जस्ट वो करने हैं एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और एजुकेटर्स के जो भी पेपर्स बनते हैं वो बुक से ही बनते हैं। अगर बुक को रीड करके उसके अलावा कोई एजुकेटर की अच्छी सी बुक लें उसको रीड कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये देख लें, इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किए हुए, ये एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, तो आप लोगों ने ये एमसीक्यू सीधे से सॉल्व कर लेने हर चैप्टर्स के। अच्छा, ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है चैप्टर के लास्ट में, तो चैप्टर एंड हो गया, बुक एंड हो गई है, तो आप लोग इनको अच्छे से रीड कर लें।